नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत। और आज का हमारा टॉपिक भी गार्डन के फूलों के ऊपर रहेगा और जो भी मुझे इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ध्यान आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो फूल देखते देखते आप मेरी बातों पे भी ध्यान देना कि किस तरह से आप अपने गार्डन में ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हो और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप नए नए और ज़्यादा ब्रांचेस पे फूल खिला सकते हो। और मतलब ये समझ लो कि जब तक उस प्लांट का सीजन है तब तक आपके पास खूब सारे फूलों की भरमार रहे। तो सबसे पहला तो आप ही देख ही रही हो, मैं भी साफ सफाई कर रही हूँ और जो भी पुराने सूखे हुए फूल थे जिनका शेड खराब हो गया था या मुझे लग गए थे अब ये मैच्योर हो गए हैं, अब वो फ्रेश नहीं रहे, तो उनको मैं सुबह सुबह उठ के रिमूव कर देती हूँ। और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, ये मेरा सुबह का ही डेली का काम होता है इस तरह का कि जो भी ये फूल मुझे अब लगते हैं कि अब ये ठीक नहीं है या स्पेंट हो चुके हैं तो उनको मैं डेली हटा देती हूँ, जिससे कि नए फूलों को खिलने का भी स्थान सा मिल जाता है और दूसरा नई नई ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों यही तरीका होता है ज़्यादा फूल खिलाने का आपके गार्डन में। तो इसी तरीके से जब तक इन प्लांट का सीज़न है तब तक आप इन पर ज़्यादा फ्लावरिंग इसी तरीके से ले सकते हो कि पुराने वाले फूलों का आप हटाते रहो, नहीं तो क्या होगा फिर ये बीज बनाना शुरू कर देते हैं और प्लांट ये सोचता है कि अब मैं मैच्योरिटी पे आ चुका हूँ, मेरा काम अब बीज बनाने का है बजाय कि फूल खिलाने के। तो अगर आप हटाते रहोगे ना फूलों को पुराने वालों को तो नए फूलों को जगह मिलेगी, नई और ब्रांचेस बनेंगी और जब तक इनका टाइम है तब तक आपके गार्डन में सर्दियों के फूलों की भरमार बनी रहेगी। और यही तरीका दोस्तों हर फूल के लिए होता है, जरूरी नहीं है सर्दी के, जैसे ही फूल सूख जाए या मतलब ये लगे आपको मैच्योर हो गया है अब ये इसको ब्रांच पे से हटाना चाहिए तो बस तभी आप हटा दिया करो उसको। इससे क्या होता है आपके और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और ये सब जितने भी आप फूल देख रहे हो ये मैंने कई बार कटाई छटाई कर रखी है, जैसे ही फूल आते हैं मैं हटा देती हूँ उनकी ब्रांचेस के नीचे से कट मार देती हूँ ताकि और नई नई ब्रांचेस निकले और ज़्यादा ज़्यादा फूल खिलें। तो अब आप ये देखो और आते हैं दोस्तों ज़्यादा फूल खिलाने पे, चाहे आपके सर्दी के फूल हों, गर्मी के हों या एवरग्रीन आपके पौधे हों। तो ज़्यादा फूल के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी ये समझ लो जो खट्टी चीज़ होती है, खटास वाली चीज़ होती है या जो ये समझ लो एसिडिक बोल देते हैं जिसको, तो उसकी मात्रा अगर आप अपनी मिट्टी में बढ़ा देते हो तो उससे भी आपके फूल ज़्यादा खिलते हैं, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है। और दोस्तों कई बार गमलों में हम इतना एप्रोप्रिएट पीएच लेवल पौधों का नहीं क्रिएट कर पाते जो कि उनको चाहिए होता है, तो इसीलिए आप देखते होगे कि जमीन में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है बजाय कि गमलों के। तो गमलों में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे पहला तो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया, ये पुराने फूल हटाते रहो। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि विनेगर हो गया आपका, फिटकड़ी होगी उसका पाउडर बना के, या खट्टा दही भी हो गया आपके घर में उसको पानी में मिक्स करके, या फिर आप नींबू का रस भी पानी में मिक्स करके अपने प्लांट्स को दे सकते हो, जिससे कि हल्की सी आपकी खटास वाली सॉइल बने और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो आपके गार्डन में और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिले। तो बस यही दो मेन रीज़न होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और दोस्तों जो हमारे गमलों में लगे प्लांट होते हैं ना, जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि एक लिमिटेड सी मिट्टी होती है इसमें, तो जमीन के बजाय जब आप गमले में पौधे लगाते हो तो आपको उसको अलग से खुराक देनी होती है ताकि आपके ज़्यादा फूल खिले। उसके लिए आपको कंपोस्ट वगैरह बीच बीच में डाल देनी चाहिए, अगर गोबर वगैरह की खाद, काउडंग मैन्योर जिसको बोलते हैं वो मिल जाता है कहीं से, वो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में ना माइक्रो और मैक्रो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो गमले की मिट्टी में नहीं मिल पाते, क्योंकि ज़मीन से तो प्लांट अगर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स लेता है तो बहुत अच्छी मात्रा में वो होते हैं, लेकिन गमले में एक लिमिटेड सी मिट्टी होने के कारण आपको खुद से ही ये चीज़ें डालनी होती हैं जो कि आप टाइमली डालते भी होगे और डालते भी रहना चाहिए। तो फिलहाल तो ये आप फूल देखो, एंजॉय करो जो भी फिलहाल में खिले हुए हैं, क्योंकि गर्मियों के जो पौधे हैं वो तो अभी मैंने कटाई छटाई कर ही रखी है सबकी, उन पे ग्रोथ अच्छी हो रही है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, और ग्रोथ अच्छी चल रही है तो इसका मतलब फ्लावरिंग भी खूब बढ़िया होगी। तो वो तो खैर मैंने पहले से ही तैयार कर रखे हैं, अपने हिबिस्कस के हो गए, येलो बेल्स वाले हो गए, या अपनी वाइन्स होगी फ्लावरिंग की, कुछ के मैंने बीज बो रखे हैं, उसकी छोटी छोटी सी पौध निकलने लगी है, या जो पुराने वाले अपने प्लांट थे उनकी भी कटाई छटाई कर रखी है, उसमें भी ग्रोथ आने लगी है। और फिलहाल तो अभी इनका टाइम है, कैलेनकोई का और जो विंटर के आप फूल देख रहे थे अभी, तो इनमें खूब बढ़िया फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। जो जो मैंने नई कटिंग्स लगाई थी आपके साथ शेयर भी की थी सारी, तो इनका तो रिजल्ट सबका बढ़िया है और खूब अच्छे से फैल भी रहे हैं, ये नए नए प्लांट्स भी निकल रहे हैं। और भाई ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल जो आप देख रहे हो बोट लिली के, इनको दोस्तों बोट लिली इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि एक बोट की शेप में इसके फूल खिलते हैं, बीच बीच में से छोटे छोटे फूल निकलते हैं। वैसे रोइयो का प्लांट बोलते हैं इसको, लेकिन आम भाषा में बोट लिली भी बोल देते हैं। तो इस वक्त आप अपने गार्डन में देखोगे ना, आपके बोट लिली के प्लांट में भी फूल खिल रहे होंगे, और इस वक्त आप इसको डिवाइड करना चाहो डिवाइड भी कर सकते हो, नीचे से छोटे छोटे जो पप्स निकलते रहते हैं, ये देखो सारे के सारे, मतलब जितने मेरे रोइयों के प्लांट हैं सब में इस तरह के छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। तो आप भी नोटिस करना, और इस वक्त आप इसके प्लांट्स को भी डिवाइड कर सकते हो। तो जहाँ पे भी मैंने इसके प्लांट लगा रखे हैं फिलहाल सब में ही इस तरह के फूल खिल रहे हैं रोइयों में, और बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों रोइयों के प्लांट भी। इनके पत्तियों का कलर है वही इतना अट्रैक्टिव होता है कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है अगर आप इस तरह के डेकोरेटिव प्लांटर्स में इनको लगाते हो तो। तो बस मेरे पास इस तरह के दो फ्रॉग हैं ये, और बिल्कुल एकदम दूर से ना देखने में असली से लगते हैं ये। एक में तो मैंने रोइयो और मनी प्लांट की कटिंग लगाई है, और दूसरे में भाई ये जेड पता नहीं और क्या क्या लग रहा है, इसमें जेड लगा हुआ है और मनी प्लांट लगा हुआ है और भी कुछ लग रहा होगा, देखते हैं अभी। अभी तो यही दिख रहे हैं क्योंकि ये ना मैंने ऊंचे रखे हुए हैं, मुझे भी नहीं पता लग रहा इसके अंदर क्या क्या और लगा हुआ है। तो बस, और ये भाई जो मैं आपको बोल रही थी गोरी चोरी वगैरह के, हिबिस्कस वगैरह के, देखो कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है सब पे, और जब इन पे फ्लावरिंग होगी कितनी अच्छी होगी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने इनको बिल्कुल काट दिया था, एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था मैंने इन पे, और अब देखो ये नए नए जो फ्रेश लीव्स आए हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो सब पे जिनकी मैंने कटाई छटाई कर रखी थी सब पे फ्रेश फ्रेश लीव्स आ गए हैं, और अब आने वाले गर्मियों के सीजन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मैंने खाद वाद सब में डाल रखी है, और गुड़ाई में अभी बीच बीच में करती रहती हूँ, जिसका भी मेरा मन करे खुरपी लेके कि इसको ज़्यादा टाइम हो गया है, वो मैं करती रहती हूँ सारे काम। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करते रहते हो तो उसकी अच्छी ग्रोथ भी होती है, और दूसरा एक प्लांट को ना थोड़ा सा रेस्ट सा भी मिल जाता है पुरानी लीव्स से, पुरानी ब्रांचेस से एक हल्का सा हो जाता है पौधा, और फिर जब नई ग्रोथ निकलती है ना वो बहुत फ्रेश होती है, बहुत हेल्दी होती है, और बहुत रिफ्रेशिंग सी होती है, समझ लो, है ना। कितनी अच्छी पत्तियां निकल रही हैं अभी देखो इनकी, है ना। और पुरानी अगर हम काटते छाटते नहीं तो फिर वही पुरानी सी पत्तियां रह जाती और फिर देखने में भी नहीं अच्छी लगती। और इसी तरीके से नींबू पे भी खूब अच्छे फूल आ रहे हैं, नींबू भी बनने लग रहे हैं। आजकल हवा भी बहुत तेज चल रही है ना, स्प्रिंग सीजन में चलती है जैसा कि, तो फूल भी झड़ जाते हैं इसके। तो बस उम्मीद है आज के फूल भी आपको सुंदर लगे होंगे और बातें भी कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर आपको पहले से ही पता था तो बहुत अच्छी बात है, है ना। आप एक ट्रू गार्डनर हैं, क्योंकि एक जो अच्छा गार्डनर होता है वो अपने आप से ही अपने तरीकों से ही सारा का सारा सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो उम्मीद है आपको ये फूल अच्छे लग रहे होंगे, आपके गार्डन में भी ऐसे खिल रहे होंगे। तो बस भाई यही तरीके थे ज़्यादा फूल खिलाने के, और मतलब अच्छे अमाउंट में फूल लेने के। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, इसी तरह से सुंदर सुंदर पौधे लगाते रहो। मार्च का सीजन भी बहुत अच्छा सीजन होता है पौधे लगाने के लिए, तो अभी भी आप खूब सारे प्लांट्स लगा सकते हो। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच,